किसी ने सच ही कहा है कि सच्चे लोगों के कारण आज हिंदुस्तान टिका हुआ है, विश्व टिका हुआ है। अगर सब लोग भ्रष्ट, सब लोग दलाल और सब लोग एजेंट हो जाएंगे गलत कामों के, तो ये जो शेष नाग पर माना जाता है वो प्रतिष्ठित नहीं पाएगी। ऐसा ही वाक्य हमारे सांडवा में हुआ है। सांडवा इन बिदासर तहसील चुरू जिले का एक गांव, अच्छा गांव, जनता यहां की ईमानदार, और यहां एक ऐसा वाक्य हुआ है कि यहां के व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है। इसका एक नायाब उदाहरण अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुआ और हमें जब पता चला तो हम रिपोर्टिंग करने आए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छाई की भी मार्केटिंग होनी चाहिए। अगर दलालों की, गलत लोगों की, भ्रष्टाचारी लोगों की पहचान अगर मीडिया करवाता है तो अच्छे लोगों भी करवाना चाहिए। और इसी आशा के साथ हम आज एक दुकानदार के पास पहुंचे हैं जिन्होंने एक मोबाइल मिलने के बाद वह मोबाइल उस व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया। आइए हम उनके पास चलते हैं। हमारे पास ये हमारे साथ नोखा सिकर रोड पे महावीर प्रसाद जी खटोतिया है, सांडवा सीताराम मंदिर के पुजारी श्री शंकरलाल जी के पुत्र है। फोन आया, मैं बाहर था कि एक मोबाइल मिला है रेडमी का, आज एक मोबाइल और मिला, हम महावीर जी से बातचीत करेंगे। महावीर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने जो ये मोबाइल मिला है उसको आपने रखा नहीं। मतलब आप क्यों नहीं रखा, आप मतलब रख भी सकते थे, क्या मतलब आपकी इच्छा हुई? क्यों रखेंगे, हमारा है ही नहीं तो कैसे रखेंगे। तो ऐसे जब नेता लोग जनता के पैसे खा जाते हैं, लोग किसी की जेब काट जाते हैं, लोग किसी का थैला उठा के ले जाते हैं, तो इस जमाने में आप जैसे लोग मतलब कैसे अपनी आत्मा को मतलब जिंदा रख पाते हैं? हमें तो अपना ही धन चाहिए, दूसरे का धन नहीं। दूसरे का, बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए। और ये मोबाइल इन भाई साहब का है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका ये मोबाइल कहाँ गिर गया था? अभी यहीं पे आया था दुकान पे। दुकान पे फिर आपने फोन किया था? हाँ, तो फिर आपको ये क्या सूचना मिली? महावीर प्रसाद खटोतिया। कैसा लग रहा है, अगर आपको ये मोबाइल नहीं मिलता तो आपके 10-15 हज़ार का नुकसान हो जाता? 20 हज़ार का हो जाता। क्या कहना चाहोगे आज भी हमारे इस हिंदुस्तान में कलयुग में ईमानदार लोग जिंदा, उनके लिए क्या कहना चाहोगे और आप किस तरह की प्रेरणा देना चाहोगे? हम तो यही चाहे किसी को ला दे तो तुरंत दिला देना चाहिए। बिल्कुल, इनका साफ कहना है कि किसी को भी मोबाइल मिले या कोई भी सामान मिले तो उसको देना चाहिए, जिससे हमारी धरती संस्कृति बची रहे। और फैक्ट तंत्र टीम की तरफ से मैं महावीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और इन भाई साहब को शुभकामनाएं कि आपको ये मोबाइल मिल गया, आप ये देख पा रहे हैं। और आज के समय में आपको पता है हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि ये सोतन कहा जाता है, अगर बीवी नहीं है तो काम चलेगा लेकिन मोबाइल होना जरूरी है, अगर बीवी फिर गई हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, और मोबाइल अगर एक दिन ख़राब हो गया तो कहते हैं हिंदुस्तान के लोग रातों रात व्यवस्था करके मोबाइल ले आते हैं। तो इसी आशा के साथ आप लोगों से यही उम्मीद, ईमानदारी करते रहिए, जनता की बात उठाते रहिए, दलाली न करें, इन दलालों की दलाली बिल्कुल नहीं करें, अच्छे नेता उनका सपोर्ट करें और अच्छी जनता उनका भी सपोर्ट करें। इसी आशा के साथ मैं कैमरामैन परमेश्वर के साथ जुगल प्रजापति, फैक्ट तंत्र टीम, सांडवा, बिदासू, चूरू, राजस्थान, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी ऑफ वर्ल्ड।